पूरी प्रोसेस में जब पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो गाड़ी जो है वो जोधपुर से, जोधपुर पुलिस की मदद से गाड़ी रिकवर की गई। वहाँ पे दो आदमी भी गिरफ्तार किए गए। बाद में अन्य लोगों को फॉलो करते हुए तीन और लोग उसमें राउंड अप किए गए। जिस तरह की हम आज 5 लोगों की गिरफ्तारी आपको बता रहे हैं, ये पूरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के बाद में 5 लोग हमारे हाथ लगे। इस तरह की वारदात में और भी लोग शामिल हैं और ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस तरह से अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जहर खुरानी की वारदात करती है। और जो व्हीकल्स मिलते हैं, इन व्हीकल्स को जैसे इस वारदात में जो लोग शामिल हैं, इंटरोगेशन से क्लियर होता है कि जोधपुर में कुछ दुकानें हैं जहाँ पर कि ये गाड़ियों को ले जाते हैं, उन्हें स्क्रैप करते हैं और इनके पार्ट्स जो हैं अन्य व्हीकल्स में लगा करके फर्दर जो इनकम होती है वो इनकम करते हैं और आपस में बांटते हैं। इस तरह की कई वारदातों की जानकारी मिली है। इनके बताई और निशानदेही पर दो अन्य व्हीकल जो कि गुजरात और एक अन्य जगह से चोरी किए गए हैं इसी प्रकार जहर खुरानी करके, वो भी इसमें बरामद किए गए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें संभावना है कि काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने पूरे देश में वारदातें की हुई हैं। अंतर्राज्यीय एक गिरोह है जिसमें कि मुख्य रूप से जो लड़के हैं पांचों, वो उनमें से 4 लड़के तो उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं जिन्होंने अपना ठिकाना इस समय जोधपुर में बनाया हुआ है, दुकानें वहाँ पर इन्होंने खोल रखी हैं और वहीं पर ले जा करके ये स्क्रैप करते हैं। ये लड़के हैं, एक तो रियाज खां है, दूसरा शैफुद्दीन, तीसरा मोहम्मद रफ़ीक, चौथा रईस खान और पांचवा मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जो है वो वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में ही रहता है। इनमें इनकी वारदात करने में शामिल होकर के वारदात को अंजाम देने के बाद वापस अपने गांव चला जाता है। रियाज खान जो है मूलतः नागौर का रहने वाला है और फिलहाल जोधपुर में इसने अपनी दुकान कर रखी है जिसमें कि ये पार्ट्स को तोड़ करके अन्य व्हीकल्स में लगाने की प्रोसेस करता है। इसमें मुख्य सरगना जो है वो हमारे पास में जानकारी में आ रहा है, एक अन्य व्यक्ति है जो लगभग 60 साल की उम्र का बताया जा रहा है। हम नाम का भी खुलासा नहीं कर रहे पर उसके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी हम उसे भी पकड़ लेंगे। और बहुत संभावना है कि बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों से इस तरह की वारदातें किए होने का पता चले। सर, इनका बैकग्राउंड क्या है, चोरी का? लगातार देखिए, जैसा कि तीन तो हम अभी आपको बता रहे हैं, तीन व्हीकल्स हमारे पास में हैं तो तीन वारदातें तो हमारे सामने ही हैं जो कि पिछले कुछ समय के इन्वेस्टिगेशन से ही हमारे सामने आ गई। पर ये बहुत बड़ी संख्या में काफ़ी वर्षों से इस तरह की वारदातें कर रहे हैं और क्योंकि ये व्हीकल्स को स्क्रैप कर देते हैं तो वो व्हीकल बाद में कहीं पर ट्रेस ही नहीं होते हैं। अगर वो किसी व्हीकल को बाद में बेचते भी हैं तो उसके नंबर चेंज कर देते हैं, नंबर प्लेट चेंज कर देते हैं, तो ये व्हीकल में इतने ज़्यादा बदलाव कर देते हैं कि अगर वो व्हीकल मिलता भी है तो कलर चेंज होता है व्हीकल का, नंबर प्लेट और कागज़ सब फर्जी बनाते हैं ये, तो वो व्हीकल दोबारा ट्रेस ही नहीं होता, तो इन तक लिंक नहीं जुड़ता है। इस मामले में पकड़े जाने के बाद से हमें जैसा पता चल रहा है, हमें लग रहा है बहुत बड़ी संख्या में व्हीकल्स को इस तरह से चुराया गया है और उनके पार्ट्स जो हैं अन्य व्हीकल्स में लगाए गए। टीम कितने दिनों से काम कर रही है? देखिए, 26 तारीख को वारदात रिपोर्ट हुई है, तब से ही लगातार टीम इस पर काम कर रही है और इसलिए आज हम इसका खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। जहर खुरानी और लूट की वारदात का खुलासा यहां पर कर रहे थे। इस दौरान कुछ सवाल यहां पर पत्रकारों की तरफ से पूछा गया तो उनका जवाब अभी नहीं दिया गया, कहा गया कि जांच अभी की जा रही है और उसके बाद यहां पर बताया जा सकेगा। लेकिन अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कर रहे थे, काफी डिटेलिंग वो देते हुए नजर आए। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप किस तरीके से खुलासा यहां पर कर रहे हैं जहर खुरानी और लूट की वारदात का, और अब हम आपको ये अपराधियों के फोटो यहां पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जिस बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता यहां पर मिली, ये वो आरोपी जिनको पकड़ा गया सिविल लाइन्स थाने के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ये तस्वीरें यहां पर सामने आई और अपराधियों को मीडिया के सामने लाया गया। ये दरअसल जहर खुरानी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। मेरे सहयोगी भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जिन आरोपियों की तस्वीरें यहां पर फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है, इनके बारे में जानकारी लग पाई, कहां कहां के और कितने कितने आपराधिक मामलों को अभी तक ये अंजाम दे चुके हैं? जी देखिए, एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो राजस्थान में आता था, यूपी के मूलतः निवासी है और इन्होंने अपना बेस कैंप जोधपुर में बना रखा था। एक बड़ी वारदात अजमेर में की थी, 26 तारीख को जहर खुरानी की वारदात कर गाड़ी लेकर भागे थे और उसके बाद से अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस और यहाँ के एसपी के नेतृत्व में जो स्पेशल टीम गठित है वो इन चोरों के पीछे लगी थी और इस टीम को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी सातिर गैंग है ये, गाड़ी को चोरी करने के बाद उसे जोधपुर ले जाती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती, पूरी गाड़ी को एक एक पार्ट को अलग करके भेज देती थी, जिसके चलते गाड़ी वापस पकड़े जाने की या गाड़ी को मिलने की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती थी, क्योंकि बड़े सातिर गिरोह थे। इसके जो मेन सरगना है वो यूपी से आता था और यहाँ जो गाड़ी का
जो पैसा मिलता था उसे डिवाइड करने के बाद वापस यूपी चला जाता था। तो अजमेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है इस गैंग खुलासे के बाद। पुलिस को उम्मीद है कि कई वारदातें खुलने की उम्मीद है, लगभग 3 वारदातें पुलिस ने यहाँ खुलासा किया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूरे राजस्थान में ऐसी दर्जनों वारदातें इन्होंने की है और लंबे समय से पुलिस को, पूरी राजस्थान पुलिस को इनकी तलाश थी और आज आखिरकार ये कामयाबी मिली है। अच्छा भूपेंद्र, 5 आरोपियों की तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये गैंग 5 आरोपियों के साथ ही था या फिर इसमें और भी सदस्य जिनको भी गिरफ्तार करना बाकी है? जी देखिए, इनका एक मुख्य सरगना जो यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, 60 वर्षीय युवक वृद्ध बताया जा रहा है, जिसके नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया, लेकिन इतना हिंट जरूर दिया है कि उसकी तलाश की जा रही है, वो मुख्य सरगना है। क्योंकि नाम बता दिया जाएगा तो वो आगे फरार होने में कामयाब होगा, इसके चलते उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी जो यूपी का निवासी है उसकी तलाश जारी है, अजमेर पुलिस उसके पीछे है। अच्छा भूपेंद्र, क्या अजमेर पुलिस ने जोधपुर पुलिस के साथ भी संपर्क साधा कि ये लोग किसको गाड़ियां बेचते थे और जो इनके गाड़ियों के अलग अलग पार्ट करके बाजार में बेचता था उस तक पुलिस पहुंच पाई? जी निश्चित तौर पर, देखिए पूरी जोधपुर पुलिस की मदद ली गई, उसके अलावा पूरे राजस्थान की जो स्पेशल टीम इनकी अलग से गठित है उस पूरी टीम की मदद ली गई। जोधपुर पुलिस से के पुलिस की मदद से इनका जो गैरेज है जहां ये गाड़ियों को जो है एक एक पार्ट्स को बेचते थे उस गैरेज तक पहुंचा गया, उन्हें वहीं से पकड़ा गया है और यहां इनसे लंबी पूछताछ चली है। उसके बाद इन तीनों जो लग्जरी गाड़ियां मिली है, ये तीनों गाड़ियां इन्हें जो है अभी तक इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया था, यानी एक एक पार्ट तक नहीं किए थे, तब पुलिस इनसे पकड़ के ले आई है। लेकिन अब पुलिस को उम्मीद है कि और भी कई वारदातें उगलेंगे, क्योंकि बड़ी लगभग दावा है कि 50 से ज्यादा वारदातें इनके पास पहुंच चुकी है, कि ऐसी इन्होंने कबूल की है कि 50 वारदातें ये कर चुकी। जी बिल्कुल भूपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आरोपियों की तस्वीरें हम आपको दिखाते, दरअसल जो जहर कुरानी और लूट की वारदातों को अंजाम देते थे, माना जा सकता है कि कुछ वक्त के लिए ही सही, अजमेर में राहत रहेगी क्योंकि आरोपियों को पकड़ दिया गया, मुख्य सरगना अभी भी द्रव से दूर जिसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है।